दोस्तों अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने तक जितने हमारे गर्मी के पौधे होते हैं लगभग सभी पर नई ग्रोथ शुरू हो चुकी होती है, तो इन्हीं में हमारी मधुमालती की बेल है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मधुमालती की बेल पर हम किस तरह से पूरी गर्मी और बरसात के सीज़न में भरपूर मात्रा में फूल पा सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियोज़ पर अक्सर लोगों का ये सवाल बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि मधुमालती पर फूल नहीं आए या मधुमालती पर हमारे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है फूल खिलने का, तो ये वीडियो भी बनाकर आप तक शेयर की जाए जिससे आप अपनी बेल में वो सब बातें और वो सब काम कर लें जो फूल आने से पहले आपको कर लेने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमारी बेल पर अभी से कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी बेल पर जगह जगह कलियाँ आ रही हैं। तो दोस्तों कुछ ख़ास बातों का आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, दो तीन बातों का अगर आप ख़ास तौर से ख्याल रखेंगे तो आपकी जो बेल है वो पूरी गर्मी और पूरी बरसात फूलों से भरी रहेगी। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों इस के बारे में ये है कि जब हमारा जो गार्डन है बेल जहाँ पर लगी है तो इसको स्पेस मिलना चाहिए चलने के लिए, यानी अगर आप किसी को गमले में लगाते हैं या किसी बहुत छोटी जगह में लगा देते हैं जहाँ इसको चलने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता तो वहाँ पर ये अच्छे से इसकी ग्रोथ नहीं होती है, और जब ग्रोथ नहीं होती है तो इस पर फूल भी नहीं खिलते हैं। यानी कि ये जितनी बड़ी आकार में होगी, जितना बड़ा इसको चलने के लिए स्पेस मिलेगा, ये इतनी ही ज़्यादा फूल देगी और इतनी ही अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो सबसे पहली बात ये आई सामने कि हमको ये बेल लगाने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर ये बेल अच्छे से ग्रोथ कर सके। दूसरी बात दोस्तों, इसको पूरी धूप मिलनी चाहिए। अगर हम इसको इंडोर लगाते हैं या कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पर धूप नहीं आती हो तो वहाँ पर ये बेल बहुत कम ग्रो करेगी। तो इसको धूप मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और धूप भी इसको 3-4 घंटे की कम से कम मिलनी चाहिए, और अगर पूरे दिन की धूप में लगी हुई है तो ये बहुत अच्छा होता है इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी फ्लावरिंग के लिए। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसको ज़मीन में लगाना चाहिए, लेकिन अगर गमले में लगाना आप चाहते हैं और आपके पास ज़मीन नहीं है तो इसकी ड्वार्फ वेराइटी आती है वो प्लांट की तरह ग्रो करती है, तो उसको आप लगा सकते हैं, वो प्लांट की तरह ग्रो करेगी और वो गमले में भी ग्रो हो जाती है। तो दोस्तों चलते हैं तीसरी बात की तरफ। तो दोस्तों आपको करना ये है कि इसकी जो, क्योंकि आपके अगर बेल छोटी है, बहुत ज़्यादा भी इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, तो उसमें होता ये है कि नीचे की साइड से छोटी छोटी ब्रांचेज और निकल आती हैं, तो हमें इसकी जड़ की तरफ से जो है बड़ी ब्रांचेज को छोड़कर छोटी ब्रांचेज को हटा देना है, जिससे कि हमारी जो सारी पावर है वो बेल के ऊपर की साइड जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बेल में भी नीचे की साइड बहुत सी ऐसी ब्रांचेज आपको दिखाई देंगी, ये आप सारी ब्रांचेज जड़ से निकल कर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि हमारी बेल काफ़ी बड़ी है तो इसलिए मैं अगर इनको ना भी हटाऊं तो हमारी बेल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपकी बेल 1 साल की है, 2 साल की है, तब आपको नीचे की साइड की जितनी ब्रांचेज है उनको हटा देना चाहिए, जिससे कि सारी पावर आपकी बेल में ऊपर की तरफ जाएगी और सारी ग्रोथ जो है वो आपके फ्लावर जो पावर है वो आपके फ्लावर में स्पेंट होगी। दोस्तों अब करते हैं खाद के बारे में बात। तो हमें अभी इसी वक्त यानी अप्रैल के महीने में अगर आपके बेल पर ग्रोथ शुरू हो गई है तब भी, और अगर ग्रोथ शुरू नहीं हुई है तब भी, एक बार हमको ऑर्गेनिक खाद, उसमें गोबर का खाद हो सकता है, पत्तियों का खाद हो सकता है, और भी कोई घर का किचन कंपोस्ट हो सकता है, वो एक बार हम अच्छी तरह से अपने प्लांट की जड़ में दे दें, यानी जड़ को खोद कर उसमें हम अपनी एक बेल में 250 ग्राम के आसपास कम से कम खाद दें, और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डालकर अच्छे से वाटरिंग कर दें। फिर इसके बाद हमको करना यह है कि 10 से 15 दिन के गैप के साथ हमको थोड़ा जो हमारे केमिकल वाले खाद होते हैं उनकी कंटिन्यूटी को बनाकर रखना है, जिससे कि बराबर हमारी बेल को पावर मिलती रहे। इसमें आप DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा सरसों खली का भी आप इनके साथ डिजोल्व करके डाल सकते हैं। NPK को बहुत थोड़ी मात्रा में, यानी अगर आप DAP 1 चम्मच डाल रहे हैं तो उसका 1/4 यानी कि 1/4 चम्मच आप NPK का डाल सकते हैं। इसके साथ साथ पोटाश की भी थोड़ी मात्रा 1 चम्मच के साथ, आप 1 चम्मच DAP के साथ आधा चम्मच पोटाश भी आप मिलाकर डालें तो बहुत अच्छा ये एक मिक्सचर रहेगा प्लांट के लिए, बेल के लिए। तो इस तरह से ये कुछ बातें हैं जिनका हम खास ख्याल रखें तो हमारी जो बेल है वो पूरी गर्मी और बरसात के सीज़न में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे जिसके बारे में लोग अक्सर चिंतित रहते हैं और सवाल करते हैं कि उनकी बेल पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आप ये नुस्खा ट्राई करके देखिए और फीडबैक भी मुझे बताइएगा कि आपकी बेल पर फ्लावरिंग कैसी रही है और किस तरह का रिजल्ट आपको मिला है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।